श्री गिरधारी गर्ग जी। सम्माननीय विजय साहब, मेरे आइडल हैं विजय साहब। मैं जब 84 में इंजीनियरिंग में आया था CTI में, तब से मेरे आइडल हैं। एंड सम्माननीय राजेंद्र जी, पहली बात तो AICTE अभी रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है पर उसके साथ में फैसिलिटेशन का ज़्यादा काम कर रहा है। अभी हमने करीब 50 MOU साइन कर लिए, जिसमें ऐसे बच्चों के लिए रोज़गार के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए। AICTE ने अपना पूरा सिनारियो चेंज कर रखा। हाँ, उन इंस्टीट्यूट्स को हम बंद कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली एक मैसेज पढ़ा, 300 इंस्टीट्यूट को अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऑर्डर मिला है कि 300 इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं। जिन इंस्टीट्यूट्स में 30% से कम इनरोलमेंट है, उन इंस्टीट्यूट्स को बंद कर रहे हैं। उनको अलग सेंटर्स के रूप में यूज किया जाएगा, कॉलेज रहेंगे पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, पर इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे ऐसे। और हम लोगों ने करीब 40 ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए। उसमें उन्नत भारत सबसे फर्स्ट है, उन्नत भारत रिसर्च प्रमोशन है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस ग्रांट है, ट्रेवल ग्रांट्स हैं, हैकाथॉन हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पिछली बार 598 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हम लोगों ने, बच्चों को थ्रू की थी, सारी मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम ली, स्टेट से ली, और हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को प्रॉब्लम दी। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने जो सॉल्यूशन दिया आप सोच नहीं सकते। ऑल आर मिनिस्ट्री, हम 3-3 लाख रुपए उन बच्चों को दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं स्कॉलरशिप के रूप में, कि फिर वो प्रोटोटाइप बनाए, फिर उसका कॉमर्शियल यूज करें। इस तरह से AICTE हैव डन लॉट ऑफ वर्क। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा कि आप AICTE की साइट को जरूर देखें, और जो टेक्निकल लोग हैं वो जरूर देखें, स्पेशली इसलिए देखें कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग्स पर काम कर रहे हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट को अच्छा बना सकते हैं, कैसे फैकल्टी को अच्छा बना सकते हैं, कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप्स के साथ। रिसेंटली 3 नवंबर को कोरिया ने हमारे साथ कोई MOU साइन किया, 3 स्टार्टअप्स को लेके, कोरिया ने, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने, हमारे मेंबर सेक्रेटरी गए थे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो रही है। दिनकर साहब का एक बड़ा अच्छा याद आता है, कंगामा करना हमारी आदत नहीं, सूरत बदलनी चाहिए बस। और मैं कहता हूँ आपके पास में कोई भी आइडिया हो जो इंजीनियरिंग कॉलेज को कुछ अपग्रेड कर सकता है, जरूर बताएं, वी आर रेडी टू सर्व। एंड सुधीर जी जो अभी बुक बड्डीज का लॉन्च किया है, मैं सुधीर जी का आई एम सैल्यूट टू यू सर, आपने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया है। कहाँ है सर, दिख नहीं रहे। मेरे पास 4000 किताबें हैं, मैं ऑनलाइन, मैं एक तरह से डोनेट तो नहीं करूँगा, इट इज़ माई, बट मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ उन किताबों को। ऐसे हर घर में करीब 100-200 किताबें हैं, जितने प्रोफेसर बैठे हैं हर घर में किताबें होंगी, वो लाइब्रेरी से कनेक्ट करें, इनके साथ कनेक्ट करें, क्या पता कुछ अच्छा निकल के आ जाए। और उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि जो किताब पढ़ते हैं वो रिफॉर्मर होते हैं। आई रिफॉर्म मोर देन 1000 क्रिमिनल्स इन माई लाइफ, आई हैव रिफॉर्म 1000 क्रिमिनल्स, दे आर वर्किंग इन विलेजेज, और ड्यू टू बुक्स, आई एम टेलिंग इट इज ए बुक्स, आई हैव ओपन द लाइब्रेरी इन जेल्स, एंड बेसिकली इट इज ए गेम ऑफ योगा एंड मेडिटेशन एंड लॉट ऑफ गेम्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्क्स। आई सैल्यूट टू विजय साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड आप कभी भी AICTE में कभी भी पता रहे, अभी AICTE की जो बिल्डिंग है मैं कहता हूँ सबसे सुंदर बिल्डिंग है, थैंक यू।